शहर में आज ब्राह्मण समाज ने मेला ग्राउंड पर एकत्रित होकर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी पर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पुरुषोत्तम कांत शर्मा जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महा सनातन ने बताया कि पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी लगातार ब्राह्मण समाज को टारगेट कर ब्राह्मण विरोधी बयान देते आए हैं। हाल ही में 14 सितंबर 2024 को उन्होंने शिवपुरी में भाजपा जिला उपाध्यक्ष और ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी दिलीप मुदगल के घर पर आकर दबंगई दिखाई और दिलीप मुदगल के भाई राजेंद्र मुदगल की दुकानों में संचालित एक कार शोरूम के ताले पुलिस की मौजूदगी में तोड़वा दिए और शोरूम से पूरा सामान निकलवा लिया। मुदगल के भाई ने जब किराया मांगा तो विधायक ने कहा कि कोई किराया नहीं मिलेगा, ताला खोलो, नहीं ताला तोड़ देंगे। इसके बाद विधायक के साथ आए लोगों ने ताला तोड़ दिया। घटना के बाद से दिलीप मुदगल और उनका पूरा परिवार भयभीत है और अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। प्रीतम लोधी ने पूर्व में भी ब्राह्मण समाज के कथावाचकों को टारगेट कर अनर्गल बयानबाजी कर चुके हैं। ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पिछोर विधायक प्रीतम लोधी पर कार्रवाई की मांग की है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ब्राह्मण समाज ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आपके द्वारा जो जंगी प्रदर्शन रखा गया, किस प्रकार का? मैं मकान मालिक किराएदार के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ है किराए के पीछे, उसमें दादागिरी करने के लिए विधायक पिछोर प्रीतम लोधी आकर के उन्होंने दादागिरी, साथ में पुलिस को भी लेकर आए, जबरन उनका ताला तोड़ दिया, किराया नहीं दिलवाया। तो अपमानित करने के लिए कोई व्यक्ति पैदा नहीं होता है। अपमानित होने से हमारा समाज भी अपमानित हुआ है। उसके संदर्भ में हम ये ज्ञापन देने के लिए जिलाधीश महोदय को प्रस्तुत हुए। आपकी कुछ मांगे भी हैं? उसमें मांग है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में कोई राजनेता समाज किसी भी समाज के साथ अन्याय या गलत कार्य, जो भी दोषी हो चाहे पुलिस हो चाहे कोई विधायक हो कोई भी हो, उसके उन्होंने तो प्रशासन के साथ में ताला वहां पर गए थे वो। एक मिनट, उसमें क्या कहेंगे आप? हमारे ब्राह्मण समाज की ये मान्यता है कि पुलिस प्रशासन का काम ताला तोड़वाना नहीं है। अगर दिलीप मुदगल जी ने कोई अपराध किया था तो उनकी FIR दर्ज करके उनको अरेस्ट कर लेना था। ताला तो अपने संरक्षण में एक गुंडे के मध्य विधायक को खड़ा करके ताला तोड़वाना कदाचित न्याय संगत नहीं है। तो ये ब्राह्मण समाज की पीड़ा नहीं है, ये सर्व समाज की पीड़ा है। क्या इस प्रकार से व्यापारी समाज की इस प्रकार से ताला तोड़कर बिना किराए दिए और खाली करवा के यदि ले जाएंगे तो निश्चित रूप से कोई भी सब समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उस स्थान पर जितने लोग मौजूद थे पुलिस प्रशासन ने अपने संरक्षण में ताला तोड़वाया है, विधायक ने गिरफ्तारी और अपनी दबंगई दिखाते हुए शहर को डराने का प्रयास किया है। ये ताला तोड़ने वाली घटना साधारण घटना मत मानो। इस घटना के माध्यम से मेरे शिवपुरी शहर में गुंडा राज की आहट हो चुकी है। समझो, इसके पीछे की मिस्ट्री को समझे। पूरा शिवपुरी शहर समझ रहा है, पूरा सर्व सभ्य समाज समझ रहा है। आगे बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, आप देखते रहिए। अगर आपकी मांगे पूरे नहीं होती आप क्या कदम उठाओ? आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तो ब्राह्मण समाज के अब सर्व सर्व सब समाज के नेतृत्व में जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। उस समय इसका इस समय का परिदृश्य और भी बृहत होगा। कलेक्टर सर की तरफ से क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपकी बात उचित कार्रवाई होगी, जो मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुँचाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं, हमको आश्वासन दिया।